Dear students, welcome on RCI Online Pathshala. Now we discuss the next question of inequality. इसको ध्यान से देखिए. X x square minus 4 less than equal to 0. अब देखिए. आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा a square minus b square क्या होता है? a plus b और a minus b. ये पढ़ा होगा. तो देखिए. x और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं माइनस का 2 स्क्वायर लेस देन 0. अब इसके बाद और को क्या लिख सकते हो? 2 का स्क्वायर. तो क्या बन गया? x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइप का. तो x माइनस 2 या प्लस 2 और x माइनस 2 लेस देन 0. अब ध्यान दो, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होगा? x इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0. आपको जो भी एक्सप्रेशन दिख रहा है उसको कंप्लीट 0 के इक्वल कर दो. तो आपने ऐसा ही किया तो यहां तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, x इक्वल टू 0 ही है. अब भाई सोच रहे होंगे कि x ही अकेला, अरे भाई ऐसे आया होगा x माइनस 0 या फिर x प्लस 0 टाइप में, तो वो x रह गया. आप ये मान सकते हो. तो देखिए यहां से आया x इक्वल टू माइनस 2 और यहां से आया x इक्वल टू 2. अब आपको केवल और केवल नंबर लाइन पे शो करना है. तो देख लो माइनस इनफिनिटिव और यहां पर इनफिनिटिव. अब उसके बाद ये 0, इधर 2 और इधर माइनस 2. ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 0 मिड में लिख दिया. 0 से क्या होता है? 2 ग्रेटर देन होता है तो राइट हैंड की तरफ किया है, और माइनस 2 क्या होता है? लेस देन होता है तो लेफ्ट हैंड की तरफ किया है. अब देखो इतना हो जाने के बाद इसकी एक प्लस माइनस लगाने की भी एक ट्रिक होती है, वो आपको मैं इस क्लास के बाद बताऊंगा. अभी आपको मैं बेसिक मेथड्स के माध्यम से इस जो इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं इस पर मैं आपकी कॉन्सेप्ट को बनाना चाह रहा हूं. तो अभी मैं और एक बार बता दूं कि प्लस माइनस कैसे यूज में आएगी, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि ऐसा दिखे तो ऐसे लगा दो. देखिएगा 2 से इनफिनिटिव, आप 2 से ग्रेटर देन लो और कहां रखोगे? इसमें रखोगे, क्योंकि हमने ऊपर वाले को सॉल्व करके और इसको क्या कर सिंपल वे में ले आए हैं. तो 2 से ग्रेटर देन आप क्या ले लो? 3 ले लो. 3 प्लस 2 और 3 माइनस 2 क्या आएगा? पॉजिटिव का आएगा. ये लो पॉजिटिव. ऐसे ही 0 से 2 के बीच में बोलो 1 ले लो. 1 प्लस 2, 1 भी पॉजिटिव, 1 प्लस 2 यानी 3 भी पॉजिटिव, और 1 माइनस 2 क्या हो गया? माइनस 1. तो इस कंप्लीट को क्या कर देगा? नेगेटिव का कर देगा. ऐसे ही माइनस 2 से 0 के बीच में आप माइनस 1 ले सकते हो. तो देखो x का वैल्यू माइनस 1 लो, माइनस 1 माइनस 1. यहां से क्या हुआ? माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1, और यहां पे क्या होगा? माइनस 1 और माइनस 2, माइनस 1 और माइनस 2 क्या होगा? माइनस 3. तो क्या आ गया? 3, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस. तो यहां पर प्लस और माइनस इनफिनिटी से माइनस 2 लोगे तो आप माइनस 5 ले लो. माइनस 5 लिया तो माइनस 5, तो यहां आ गया x की जगह माइनस 5 और ये क्या हो गया? माइनस 5 प्लस 2 यानी माइनस 3, और माइनस 5 माइनस 2 क्या आएगा? माइनस 7. तो देखो ये कैंसिल आउट हो गए और एक नेगेटिव बच गया, तो इसका मतलब यहां पे क्या आएगा? नेगेटिव साइन. और आप अपने से लेके देखो इन चीजों को, मेरे बताने से कुछ नहीं होगा. आप जब सेल्फ करोगे उस टाइम आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी कि प्लस माइनस मैं किस प्रकार से यूज ले रहा हूं. अब देखो यहां पर क्या है? लेस देन है. इसका मतलब लेस देन है तो आपको कौन सा साइन यूज करना पड़ेगा? नेगेटिव का साइन यूज करना पड़ेगा. और नेगेटिव का साइन यूज करना पड़ेगा तो आपका आंसर होगा ये नेगेटिव वाले. इसका मतलब ये इंटरवल भी आपका रॉन्ग है और ये इंटरवल भी आपका रॉन्ग है. आपको केवल नेगेटिव वाले आंसर लेने हैं. और एक सर्किल और देख लो, जब लेस देन हो कहा गया, जब आपको लेस देन दिखे, लेस देन हो तो आपको ब्लैंक सर्किल यूज करना है. तो देखिए यहां पर ब्लैंक सर्किल हो गया, यहां पर भी ब्लैंक सर्किल हो गया और यहां पर ब्लैंक सर्किल. कंप्लीट लेस देन है तो ब्लैंक सर्किल यूज करना है. अब इसके बाद देखो x बिलोंग्स टू
क्या होगा, बिलोंग्स टू है मतलब एक्स रिलेट कर रहा है इस नंबर से, तो क्या होगा माइनस इनफिनिटी से कहां तक चले, माइनस टू तक, उसके बाद कहां से कहां तक, जीरो से और टू तक। अब देखो आप इस पर क्या आएगा, माइनस इनफिनिटी पर क्या आता है ओपन इंटरवेल, तो ये लो, और सब क्या है ओपन सर्किल है, ब्लैंक सर्किल है, तो क्या करोगे ओपन इंटरवेल, ये लो। अब देखो जब आप डिजिट्स को जोड़ते हो या ऐड करते हो, एडिशन ऑफ डिजिट्स क्या करते हो, 2+3=5, यानी आपने बीच में क्या किया है, एडिशन का साइन यूज किया है। और अगर आप किन्हीं भी दो ऑर्डर्ड पेयर को अगर लिखते हो तो वहां पर आपको यूनियन का साइन यूज करना पड़ता है, क्या बोलते हैं इसको, यूनियन। ये आपको जब सेट थ्योरी पढ़ूंगा उस टाइम क्लियर कराऊंगा। तो माइनस इनफिनिटी से टू, यूनियन जीरो से टू, ये आपका क्या हुआ, फाइनल आंसर हुआ। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। देख लीजिए दोबारा, नेगेटिव साइन यूज करना था, माइनस इनफिनिटी से माइनस टू कंप्लीट, उसके बाद नेगेटिव किसमें है, जीरो से टू कंप्लीट, माइनस इनफिनिटी पे क्या आएगा ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल लगा दिया। अब ये सब क्या है, ब्लैंक सर्किल है, इन पे सब पे क्या कर दिया, स्मॉल ब्रैकेट यूज कर लिया। और जब ऑर्डर्ड पेयर आप लिखते हो तो वहां पर प्लस नहीं लगा के क्या लगाते हो, यूनियन लगाते हो, इसलिए मैंने यूनियन लगा दिया। इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,